अब देखो 15 वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 15, प्रूव दैट ए प्लस बी इंटू मी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ। आप बताओ इफ ओन इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है, बताओ। क्या इसका मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन को है ना टू वेज में प्रूव करना है, ठीक है। पहले गिवन होगा, फिर आपको टू प्रूव करना है, फिर आपको टू प्रूव गिवन होगा और जो गिवन है वो टू प्रूव करना है। टू वेज से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये गिवन है तो ये चीज़ ट्रू होगी, ठीक है ना, और अगर ये गिवन है तो ये चीज़ ट्रू होगी। आएगा समझ में आपको इफ एंड ओनली इफ का मतलब? दोनों तरीकों से आपको सोल्व करना है इसको। देखो अब दोनों कंडीशन में हमें ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है क्या, ये तो किया दिया हुआ ना। देखो बताओ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो आया ना, ये तो हमें गिवन है दोनों कंडीशन में। अब पहली कंडीशन में गिवन क्या बताओ, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर है तो हमें कैसे पता लगा, कैसे पता लगाएंगे कि परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है, नॉट जीरो है, तो दैट इज हमें क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो। हाँ या ना, ये चीज होनी चाहिए ना। तो देखो इसका प्रूफ देखो, बहुत ही ईजी है, जो हमें गिवन है बस वो पहले वही लिखेंगे हम। देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें गिवन है तो ब्रैकेट में लिख देना गिवन है। आप कौन सी आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करेंगे हम, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही एकदम। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इट इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बताओ हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए, उसमें हमने हर एक चीज़ को लिखा है कि इसके इसका यूज़ किया हमने, ठीक है। अब लास्ट में एक दो क्वेश्चन बचे हैं तो क्या हम हार मानने वाले हैं क्या? नहीं, तो हमें लिखना है कि एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर होता है एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो हम इसका यूज़ करेंगे। अब देखो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या होगा ये टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो, जीरो बाई टू ज़ीरो हो जाएगा। अब ये चीज़ आ रही है एंड ए वेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो कॉमा बी वेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो,
तो बताओ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो है। तो हमने बेसिक्स में ये सीखा था कि अगर दो वेक्टर का डॉट जीरो आ जाए और दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो, तो बताओ वो दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। बोथ आर परपेंडिकुलर। अब इसका कन्वर्सली प्रूव कर देंगे। चलो करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ तक रफ कर देता हूँ वापस से। कर दूँ क्या रफ? ठीक है। अब देखो, जस्ट उसके नीचे लिखना आपको कन्वर्सली, ठीक है। कन्वर्सली गिवन क्या है हमें? ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो मतलब दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। टू प्रूव, प्रूव में क्या करना है हमें? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ में हम LHS लेके चलेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर हो जाएगा ये, प्लस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम रीजन लिख देंगे एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ये जीरो हो जाएगा, प्लस में ये जीरो और प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हम रीजन में लिख देंगे गिवन है ये हमें क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, या फिर आप ये लिख लो ए वेक्टर, हाँ ठीक है। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। तो 15 वाला आया क्या सुनने आपको? अब देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसमें 16 वाला। क्या बोल रखा है इसमें? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन। अब ये बताओ कि हमें ये दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं इससे लिख सकता हूँ क्या ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है बताओ? जीरो टू पाई होती नहीं होती बताओ? होती नहीं होती है, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी का साइन है और ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पॉजिटिव है, तो मैं दोनों को इनके डिवाइड में कर सकता हूँ क्या और साइन चेंज होगा क्या? अगर इनइक्वालिटी है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर आप उसको नेगेटिव को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो
तो हम ये कर सकते हैं कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे रीज़न लिख लेना क्या कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोथ आर पॉजिटिव। तो कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है एंड वी नो दैट कोस थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो हम यहाँ पे वैल्यू आ रही जीरो है, जीरो से बड़ी, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट की बात कर सकते हैं हम चारों में से। फर्स्ट, इसलिए वी कैन डिस्कस ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से पाई बाय टू होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। चलो ठीक है, अब देखो कोस जीरो डिग्री कितना होता है बताओ, कोस वन होता है एंड कोस पाई बाय टू कितना होता है। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं बताओ। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसलिए थीटा लाइज बिटवीन, या फिर आप ये लिख लो कोस थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू पाई बाय टू एंड थीटा कैन टेक वैल्यू, थीटा कैन टेक वैल्यू जीरो एंड पाई बाय टू ऑल्सो। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो गई, या तो जीरो होगी, जीरो से बड़ी होगी, या पाई बाय टू, या पाई बाय टू से छोटी होगी। ठीक है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन बी कैसे करेक्ट हुआ। ठीक है, अब देखो 17 वाला है, मैं यहाँ लिखता रहूंगा और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है ना, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर बी टू यूनिट वेक्टर्स। अब मेरे को दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो मैं एक चीज़ तो शोर से बोल सकता हूँ क्या, सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन होगा। ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। और अब आगे क्या बोल रखा है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इनके बीच में एंगल कितना, थीटा है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये भी एक यूनिट वेक्टर होगा इफ। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर बोल रखा है। एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। तो बताओ अगर यूनिट वेक्टर है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, है ना। अब देखो आपको मैंने एक वो लिखवाई थी बोनस टिप्स, अगर कुछ हमें प्लस और माइनस में दे रखा है और हमें डॉट में पूछा है, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन का
ठीक है। और अगर हमें डॉट में दे रखा है और प्लस माइनस में पूछा है तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। लिखवाया था क्या मैंने आपको बोनस टिप्स में? तो देखो ये अब मुझे एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के लिए मेरे को इसको डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस में दे रखा है आपको और मुझे डॉट चाहिए, तो बताओ मैं इसका यूज़ करूँगा नहीं करूँगा, बताओ करेंगे नहीं करेंगे बताओ। तो देखो हम ये लिख सकते हैं क्या, एज वी नो, एज वी नो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये वन ही हो जाएगा। आप रीजन लिख सकते हो, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, वन है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो भी वो कितना आएगा, वन ही आएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया, तो प्लस में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, प्लस में ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू वन। अब देखो सिंस एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है, इसकी वैल्यू वन है इक्वेशन नंबर वन से, तो वन प्लस में ये हो गया टू टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में वन इज इक्वल टू वन यूजिंग इक्वेशन वन। इक्वेशन वन का हमने यूज़ किया है, तो देखो इस वन से ये वन कैंसिल हो गया और ये आ गया टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन उधर गया तो माइनस वन हो गया। इट इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू आ गया। इट इम्प्लाइज अब इसमें वो डेफिनेशन लगा देंगे हम डॉट प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। इट इम्प्लाइज अब ये भी वन ये भी, तो वन इंटू में वन कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब ये आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, ठीक है। इट इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब देखना मुझे पता है कि कोस 60 कितना होता है, वन बाई टू होता है, तो अगर ये माइनस का वन बाई टू हो तो मतलब 60 का मल्टीपल आएगा कुछ ना कुछ, तो 60 का मल्टीपल फर्स्ट होता है 60 इंटू टू होता है 120 और 60 इंटू थ्री होता है कितना 180। अब 180 तो बॉर्डर पे आ गया तो ये तो हट जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये 180 तो कोस 180 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन बाई टू, ठीक है, क्योंकि माइनस का आ रहा है तो मतलब इसका मल्टीपल आएगा कुछ ना कुछ। अब कोस 180 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस 120 कोस 180 माइनस में 120 इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। अब देख लो ये कितना है, कोस ये 180 माइनस में 60, तो ये माइनस का कोस 120 इज इक्वल टू माइनस का वन बाई टू। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, 120 आ रही है, तो 120 या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2π/3, हाँ या ना बताओ, आएगी बात समझ में आपको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा माइनस का ही, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ इसमें। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो बताओ ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आपको समझ में आया कि नहीं है बताओ, पक्का? ठीक है अब 18 वाला करते हैं।